कोरोना करके देश दे विच बहुत सारे बच्चे अपने मापिया नूं गुआ चुके ने। केंद्र सरकार दे वल्लों अनाथ बच्चों के लिए कई सहूलतों का ऐलान। देश इस समय कोरोना महामारी की दूजी लहर का सामना कर रहा है और हुण तक 3.23 लाख लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। कोरोना कारण बहुत सारे बच्चे अपने मापियां नूं गुआ चुके हैं। हुण केंद्र सरकार उन्हां बच्चों की मदद के लिए अगे आई है। प्रधानमंत्री दफ्तर यानी कि PMO ने शनिवार को इस बारे दे विच जानकारी दी। इस दे विच उन्हां वल्लों बच्चों के लिए कई किस्म दीआं योजनावां बनाईआं गईआं ने जो कि उन्हां दे भविख दे विच सुधार लियाउणगीआं। उन्होंने खास तौर पर 3 वड्डे ऐलान किए हैं जिन्हां दे विचों पहला वो बच्चे जो COVID-19 के कारण अपने मापियां नूं गुआ दिंदे ने तां उन्हां नूं 18 साल की उम्र तो बाद महीनावार वजीफा मिलेगा। इस दे नाल ही 23 साल की उम्र के प्रधानमंत्री केयर्स फंड दे विचों 10 लाख रुपए का फंड भी प्राप्त होएगा। दूजे नंबर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वल्लों इन्हां बच्चों नूं मुफ्त सिक्ख्या प्रदान की जाएगी। इन्हां बच्चों नूं उच्च सिक्ख्या दे लई लोन दिता जाएगा अते उन्हां दा ब्याज प्रधानमंत्री केयर्स फंड दे विचों दिता जाएगा। तीजा उन्होंने कहा कि इन्हां बच्चों नूं आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 सालों के लिए 5 लाख रुपए तक का सेहत बीमा दिता जाएगा। इस बीमे का प्रीमियम प्रधानमंत्री केयर फंड दे विचों भुगतान किया जाएगा। इस तो अलावा जेकर कोरोना के उपर झात मारी जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 1.73 लाख मामले आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना की दूजी लहर लोगों के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रही है। पिछले 24 घंटों के पूरे देश में कोरोना के 1.73 लाख मामले सामने आ चुके हैं। 3500 तो भी ज़्यादा जाना जा चुकी ने। देश के बहुते सूबों के लॉकडाउन के कारण संक्रमण के मामलों के कुछ हद तक कमी आई है पर फिर भी रिकॉर्ड किए हुए केस मिल रहे हैं, इसलिए एहतियात बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम TV।